तो बड़ी खबर यूपी से। जी हां, समाजवादी संग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको एक बार फिर से बता दें कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में सुलह की कोई कोशिश नहीं है। तो ऐसे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं मुलायम सिंह यादव। तो वहीं 5 कालिदास मार्ग पर अखिलेश यादव की राजेंद्र चौधरी से मुलाकात इस वक्त चल रही है। मुलायम आवास पर शिपाल की मुलायम से मुलाकात चल रही है। तो यहां पर अलग अलग खेमे में मुलाकातों का दौर जारी है। तो इन सबके बीच आज मुलायम सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है। तो ऐसे में अब यही आसार नजर आ रही हैं कि हो सकता है सुलह की सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद अब यहां पर कोई बड़ा ऐलान हो जाए। जी हां, आर पार की स्थिति हो जाए। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, कल वक्त पहले 3 बजे दिया गया, लेकिन उस वक्त क्योंकि रामगोपाल यादव को चुनाव आयोग जाना था तो वक्त बदलकर 3 से 4 किया गया, लेकिन आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही कल रद्द कर दिया गया। हो सकता है कि कल कोई ऐसे आसार नजर आ रहे हों कि शायद स्थिति बदल जाए, लेकिन अब जबकि बैठकों का दौर चलता रहा और अभी भी मुलाकातें चल रही हैं, तो इसके बाद आज मुलायम सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो अब देखना होगा कि आज क्या ऐलान होता है। वहीं अगर बात करें अखिलेश खेमे की, तो आज चुनाव आयोग जाएगा अखिलेश खेमा। चुनाव आयोग में साइकिल चुनाव चिन्ह पर अपना दावा ठोकेगा और चुनाव आयोग को अखिलेश के समर्थन में 212 विधायकों का हलफनामा सौंपा जाएगा। तो दोनों गुटों में अध्यक्ष पद को लेकर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि जो अधिवेशन बुलाया गया था अखिलेश यादव की ने, उसमें जो प्रस्ताव पारित हुए थे मुलायम सिंह यादव को यहाँ पर अध्यक्ष पद से हटाकर अखिलेश यादव को अध्यक्ष बनाया गया था। तो समाजवादी संग्राम फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। दोनों गुट अपनी अपनी जिद पर, अपने अपने फैसलों पर अड़े हुए हैं। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर टकरार बनी हुई है। तो सुलह की कोशिशों में अमर सिंह भी आड़े आ रहे हैं। अखिलेश यादव पार्टी से अमर सिंह की छुट्टी चाहते हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव तैयार नहीं है। वहीं आज अखिलेश खेमा चुनाव आयोग जाएगा, सांसदों विधायकों के समर्थन का हलफनामा सौंपेगा, यानी कि अब साइकिल पर कब्जे की में आर पार का दौर आ गया है। ऐसे में कोई बड़ा ऐलान आज हो सकता है जब दोपहर बाद मुलायम सिंह यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि जो यहां पर अहम मुद्दे हैं, या ये कहें कि जो यहां पर ऐसे अहम पेच हैं, वो नहीं सुलझ पा रहे हैं। पहली बात तो है कि अध्यक्ष कौन रहेगा, क्योंकि यहां पर मार्गदर्शक बना दिया गया अधिवेशन में मुलायम सिंह यादव को अध्यक्ष पद से हटाकर, तो अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन मुलायम सिंह यादव इससे खुश नहीं है। तो वही अमर सिंह को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। तो लखनऊ में आज भी बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री अपने आवास पर राजेंद्र चौधरी से मुलाकात कर रहे हैं, तो मुलायम सिंह यादव के आवास पर भी शिपाल यादव के साथ मुलाकात चल रही है। तो राजेंद्र चौधरी जो काफी वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और अक्सर अखिलेश यादव के साथ नजर आते रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जो ये बैठकें चल रही हैं, क्या ये सुलह के लिए है या फिर पार्टी अब दो अलग अलग दिशाओं में जाने वाली है। समाजवादी पार्टी में आपसी खींचातान के बीच एक बार आज फिर नजर है समझौते पर, हालांकि उम्मीदें कम लग रही हैं, लेकिन एक बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, आप देख सकते हैं किस तरह से अखिलेश यादव का काफिला आ रहा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं अपने 5KD स्थित आवास में, अंदर मंत्री राजेंद्र चौधरी मौजूद है और तमाम वो जिला पंचायत अध्यक्ष और कुछ चुनिंदा विधायकों को मुख्यमंत्री ने आज बुलाया है, उनसे मुलाकात करेंगे। ये मुख्यमंत्री का काफिला आज अपने आवास पर 5KD स्थित जो सरकारी आवास है मुख्यमंत्री का, उस आवास पर पहुंच रहा है। आज उम्मीद ये लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर नजर आजम खां के ऊपर है, जो कि मुख्यमंत्री के में मुख्यमंत्री से भी बात कर रहे हैं और मुलायम सिंह यादव से भी बात कर रहे हैं। एक उम्मीद की किरण जरूर यह है कि आजम खां कहीं ना कहीं समझौते की एक बार पहल कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री अभी आवास में गए हैं, अब अंदर किस तरह की प्रतिक्रियाएं, क्या कुछ होता है, इस पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजर है, हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर क्या होगा समाजवादी पार्टी में। कैमरामैन दीपक के साथ संकेत मिश्रा, समाचार प्लस, लखनऊ। जी हां, तो बैठकों का दौर दोनों खेमे में चल रहा है। मुलायम सिंह यादव की बात करें तो उनके साथ शिपाल यादव हैं, और अखिलेश यादव की बात करें तो पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी उनके साथ इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। अपडेट जानने के लिए रुक करेंगे अपने संवाददाता अभिषेक का, जो मुलायम सिंह के आवास के बाहर खड़े हैं। तो वहीं संकेत मिश्रा खड़े हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर। तो अभिषेक, जरा बताएं अंदर कौन कौन मौजूद है और क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हम मुलायम सिंह यादव के आवास के ठीक बाहर मौजूद हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएं पीछे। मुलायम सिंह यादव के आवास में इस वक्त शिवपाल यादव पहुंचे हैं, नारद राय पहुंचे हैं, ओम प्रकाश सिंह अंदर मौजूद हैं, अंबिका चौधरी अंदर मौजूद हैं, और सबसे अहम बात यह है कि आज गहमा गहमी का दौर और तेज हुआ है। और निश्चित तौर पर जिस तरह की बातें कल की जा रही थी कि एक समझौता हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, वैसी चीज़ें
दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त खत्म होने के बाद ये बात साफ हो गई थी कि अब नहीं होगी और फिलहाल कोई भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि आज उम्मीद की जा रही है कि दिन में या दिन के बाद यानी फर्स्ट हाफ के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगी मुलायम सिंह यादव की, जिसमें वो कई सारी बातें कहते हुए नजर आएंगे। और अब एक बात और साफ हो गई है कि मुलायम सिंह यादव खुद चाह रहे हैं कि एक अलग लिस्ट, एक अलायदा लिस्ट जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के अलावा होगी वो सामने रखी जाएगी, जिसमें मुलायम सिंह यादव के अपने एनालिसिस किए हुए कैंडिडेट्स के नाम होंगे जिनको वो चाहते हैं कि चुनाव लड़ें और वो चुनाव जीतें भी। तो जिताऊ कैंडिडेट किसके होंगे ये देखने वाली बात होगी। और अब मुलायम सिंह यादव खुद भी टस से मस होने को तैयार नहीं है किसी भी बात पर, हालांकि हर तरीके से समझौते की बात की गई। और सबसे अहम बात यह है क्योंकि ये परिवार है, इन सारे झगड़ों की बात की जाए, वर्चस्व की लड़ाई की बात की जाए, पार्टी में अपने होल्ड और कंट्रोल की बात की जाए, लेकिन उस सब के बीच ये पूरा झगड़ा बाप और बेटे के बीच और चाचा के बीच है, तो बातचीत की गुंजाइश अंत तक खत्म नहीं होनी है। लेकिन ये बात साफ है कि अब कहीं ना कहीं निर्णय की तरफ ये पूरा दंगल पहुंच रहा है। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि वक्त भी नहीं है इतना कि इस चीज को और ज्यादा खींचा जाए, अंतिम फैसला देना ही होगा। कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है और लोग भी देख रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। संकेत कहां रुक करेंगे, तो संकेत आपसे भी जानना चाहेंगे सीएम आवास के अंदर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन मौजूद है। संकेत तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, तो अभिषेक चलिए आपसे ही हम सवाल पूछते हैं अगला, क्योंकि कल जिस तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो टाल दी गई, यानी कि कल कहीं ना कहीं कुछ आसार रहे होंगे कि शायद समझौता हो जाए। आज जबकि चुनाव आयोग को 212 एमएलए का शपथ पत्र सौंपा जाएगा, तो ऐसे में जो एक पलड़ा है वो अखिलेश यादव का ही भारी दिखता है, अखिलेश का यहाँ पर भारी दिखता है पलड़ा। तो अभिषेक ऐसे में मुलायम सिंह यादव पूरी तरह से दबाव में आ चुके हैं, अखिलेश यादव की बात ना मानकर समझौता हो ऐसे आसार नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐलान आज दोपहर बाद सुनने को मिल सकता है। तो चलिए हम अपने दर्शकों को बता दें मुलायम आवास से और अखिलेश आवास से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। तो फिलहाल अब जो बैठकें चल रही हैं तो उनको देखकर हमें कह सकते हैं अभी बैठकें सुलह के लिए नहीं है, बल्कि बैठक इस बात को लेकर चल रही है, इस बात का मंथन इन बैठकों में हो रहा है कि अब जबकि पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी तो किस रणनीति पर काम करना है, क्योंकि लखनऊ में बैठक चल रही है तो दिल्ली में कानूनी लड़ाई चल रही है। आज 212 विधायकों का शपथ पत्र चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ कह दिया कि जिसके साथ जितने ज्यादा विधायक रहेंगे तो उसके पक्ष में ही यहां पर निर्णय जा सकता है। तो अभिषेक, अब जबकि चुनाव आयोग में दिल्ली में यहां पर शपथ पत्र सौंपा जाएगा, तो ये मान सकते हैं कि जो बैठकें आज चल रही है मुलायम सिंह के आवास में, अखिलेश यादव के आवास में, ये सुलह के लिए कम बल्कि आगे भविष्य में अलग राह पकड़कर किस रणनीति पर चलना है उस पर ज्यादा होंगी। जहां निश्चित तौर पर कल रामगोपाल यादव का इलेक्शन कमीशन के ऑफिस ना जाना इस तरफ सीधा संकेत करता है, और आज ये शपथ पत्र दिया जाएगा और 9 तारीख की मियाद चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है दोनों दलों को, चाहे वो मुलायम खेमा हो या फिर अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव की तरफ से बात की जाए। तो पहल रामगोपाल यादव की तरफ से कल की जानी थी, 3 बजे उन्हें जाना था, वो नहीं गए, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त इसीलिए बदला गया। आज ये शपथ पत्र दिया जाएगा और इसके बाद यहाँ पर समीकरण पूरे उलटते हुए दिखेंगे, चाहे वो मुलायम सिंह यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखें या फिर जो जानकारी मिल रही है कि कल शिवपाल यादव भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ सामने आ सकते हैं। और अब जो समझौता, जो ब्रीच, जो ब्रिज बनने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर भी होगा कि वो लोग अब किसके साथ जाएंगे, जिसमें मैं सीधे तौर पर कहूं कि आजम खान की बात की जाए, जो एक सिंबल की तरह काम करने की कोशिश कर रहे थे इस पूरे बवाल के बीच, अब वो उनके ऊपर भी नजरें गड़ गई हैं, हर कोई उन्हें भी घेरने की कोशिश करेगा कि वो किस तरफ जाए। और यही वजह थी कि कल शिवपाल यादव और अमर सिंह दोनों आजम खान के घर पहुंचे थे। जी बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि वो लोग जो अभी तक तटस्थ नजर आए हैं, अभी दोनों लोगों के साथ नजर आए हैं, तो उनके लिए मुश्किल ज्यादा है कि आखिर वो किसको चुनते हैं। संकेत आपसे जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री आवास में कौन कौन मौजूद हैं और क्या कुछ खबरें मिल रही हैं आपको। देखिए मुख्यमंत्री जैसा कि हर रोज आते हैं वैसे ही आज वो अपने 5 KDA स्थित आवास पे आए हैं, और इसके अलावा जो मंत्री राजेंद्र चौधरी हैं वो भी इस आवास पे मौजूद हैं, और तमाम वो जिला पंचायत अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री ने जिनको आज मिलने के लिए बुलाया है वो कई दिनों से यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन आज का समय उनको मिला है। जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और कुछ चुनिंदा विधायक हैं और विधायक प्रत्याशी हैं। कुल मिला के एक बात साफ है।